सो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से, जो कहता है एक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये पोर्टफोलियो सिस्टम और डिपार्टमेंटल सिस्टम के बारे में किस एक्ट में मेंशन किया गया था। अब आपको पता है कि हिस्ट्री के जो भी एक्ट्स हैं, स्पेशली ये जो इन इस क्वेश्चन में ऑप्शंस में दिए गए, इसके अलावा 1919, 1947, 1935, कई जो जितने भी एक्ट्स बने थे, ठीक है, उनको क्रोनोलॉजी से पढ़ना है। और उसमें सारे एक्ट्स के कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल रट लेना है। जैसे कि 1861 वाले का ये पोर्टफोलियो डिपार्टमेंटल सिस्टम, ये बिल्कुल एकदम रटा हुआ कंटेंट है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, तो जिसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। ये भी ड्यूएबल क्वेश्चन है बिल्कुल। फिर क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बॉडी के सारे विटामिन की सिंथेसिस कर सकती है, ठीक है। एक चीज़ इसमें पकड़ने वाली है जो कि ये है। अब क्योंकि UPPCS भी UPSC की तरह स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देती है, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि कुछ क्वेश्चन बिल्कुल जेनरिक होते हैं, ठीक है, साधारण से स्टेटमेंट होते हैं, कुछ में ऐसी एक्सट्रीम बातें बोली जाती है। थोड़ी बहुत साइंस की अगर नॉलेज है तो आप समझ सकते हैं कि मानव शरीर में सारी विटामिन का संश्लेषण नहीं हो पाता है, ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, इसका रीज़न है सर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है कि विटामिन आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। हाँ, तो ये जेनरिक स्टेटमेंट लग रहा है कि बिल्कुल हाँ सही है, एसेंशियल होते हैं विटामिन, तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट गलत, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। 28 कह रहा है विद रेफरेंस टू द स्पेशल एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो कहते हैं कि जो राष्ट्रपति है, ओके, प्रेसिडेंट एड्रेसेस द जॉइंट मीटिंग बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एट कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। अब देखो, ये सब ना लक्ष्मीकांत में बिल्कुल एकदम एज इट इज दिया हुआ है, ठीक है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही लैंग्वेज है, लेकिन क्वेश्चन जब ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आती है तो आपको उसको ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि हो सकता है इसमें बोथ हाउसेस ना देकर के सिंगल हाउस का नाम दे दिया हो, या फिर यहाँ पे कुछ फर्स्ट की जगह लास्ट दे दिया हो, ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, एक बार ही ऐसे सरसरी निगाह से देखने में तो आपको लगेगा कि हाँ, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर यही होगा, लेकिन आपको ऐसे बड़े स्टेटमेंट्स में भी ध्यान से देना है कि कहीं ऐसे कुछ क्वेश्चन में कुछ हेर फेर तो नहीं किया गया, ठीक है, तो इसका ये तो स्टेटमेंट सही है। लेकिन फिर दूसरा पढ़ते हैं कि द प्रेसिडेंट इन हिज एड्रेस इन्फॉर्म्स द पार्लियामेंट ऑफ द कॉज ऑफ द समन। हाँ, बिल्कुल बताना पड़ेगा ना, प्रेसिडेंट अगर उसको समन कर रहे हैं हाउस को, तो बिल्कुल डेफिनेटली उसका रीज़न तो देंगे, तो दोनों ही स्टेटमेंट इसकी सही हो जाती है। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 29, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट बैक मोर सनलाइट एज कम्पेयर टू द थ्री। तो इसका बिल्कुल एकदम रटा रटा है आंसर है स्नो, ठीक है, कौन सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट बैक करता है सनलाइट को, उसका आंसर स्नो है। और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज नॉट करेक्ट, ठीक है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, नॉट के बारे में। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आप जब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठेंगे ना, तो आपको सारे स्टेटमेंट एक तरीके से सही लगेंगे, ये जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये DPSP में आर्टिकल नंबर 43A दिया हुआ है, लेकिन जब ये अगर आपने एकदम बढ़िया ध्यान से पढ़ा होगा तो 43A नहीं है, ये 43B है, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए भी DPSP से रिलेटेड मेरे चैनल पे एक वीडियो पड़ी हुई है, आप उसको बिल्कुल आराम से देखिए, और मैंने उसमें बताया हुआ है कि किन DPSP में कौन सी बातें बिल्कुल ध्यान में रखने वाली हैं, बिल्कुल बारीकी से पढ़ने वाली हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31 आ जाता है, ये थोड़ा सा करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि जिस साल ये क्वेश्चन आया था उस साल यूपी में 6 रामसर साइट को ऐड किया गया था, और सबके कुछ ना कुछ नाम ऐसे ही स्टार्ट होते थे, तो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए एक ये नाम ऐड कर दिया गया, जो कि ये जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, तो ये यूपी में नहीं था, ठीक है, बाकी आपको ये ध्यान से पढ़ना था, आगे के लिए याद रखिएगा कि ये बाकी के ये जो तीन हैं ये यूपी में है, ठीक है, बाकी के ये तीन जो है वो यूपी में। फिर आता है, ये भी करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, कहीं ना कहीं बजट से रिलेटेड, इसलिए बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, तो ये बजट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया कि ये स्कीम के बारे में है, स्कीम बेस्ड क्वेश्चन था और इसका आंसर ये था, ठीक है, रिपीट होने के चांसेस में बहुत कम है।
फिर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीज़न इंडिया, इसके चेयरमैन के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन चेयरमैन होता है, ठीक है। तो कमेटी चेयरमैन के बारे में भी आपको पढ़ के जाना है कि ठीक है कौन सी कमेटी को कौन से कौन चेयर उसको चेयर करता है, ठीक है, कौन प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, नीति आयोग को कौन चेयर करता है, और भी बहुत सारे जिसकी लिस्ट डेफिनेटली एग्ज़ाम के पहले एक बार दे दी जाएगी, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसका आंसर प्राइम मिनिस्टर होगा। फिर एक क्वेश्चन आया था ब्लू बेबी सिंड्रोम में। अब ब्लू बेबी सिंड्रोम आपको देखकर फिर नाइट्रेट आंसर लेगा, बट मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा गया था। ब्लू बेबी सिंड्रोम इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन ब्लड। ब्लड में ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। तो जिसका आंसर नाइट्रेट नहीं था, ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसका आंसर एक्चुअली नाइट्रेट नहीं है, इसका आंसर है बी, मेथेनोग्लोबिन। क्या होता है मैं बताती हूँ, जो नाइट्रेट होता है अगर किसी भी माध्यम से हमारे बॉडी में आ जाता है, इंटर करता है हमारी बॉडी में, तो वो जो हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन के साथ में कंबाइन करती मेथेनोग्लोबिन बनाता है। मेथेनोग्लोबिन में क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी में, जिसकी वजह से बॉडी कैसी ब्लू हो जाती है, ठीक है, और उसको ही ब्लू बॉडी सिंड्रोम कहते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। अब ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या ऐसा कॉज क्या करता है, कौन सा ऐसा सब्सटेंस है, तो वो तो नाइट्रेट होता है, ठीक है, लेकिन ब्लड में क्या बन जाता है, ब्लड में मेथेनोग्लोबिन बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर मेथेनोग्लोबिन होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको आगे के लिए बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 आ जाता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 35 आ जाता है। फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निज़ामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, ठीक है, इसका कंपाइलेशन किसने किया, ये क्वेश्चन पूछा गया था, और इसका आंसर है आमिर हसन सिज़ज़ी, ठीक है, आमिर हसन सिज़ज़ी। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, हिस्ट्री कैसे फैक्ट्स आपको एग्ज़ाम के पहले एक कंपाइलेशन दे दी जाएगी जिसको आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर आता है लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक। भाई इस क्वेश्चन में बिल्कुल माथा पच्ची नहीं करनी है, लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक, चिल्का लेक, बिल्कुल रट लो, क्वेश्चन रिपीट होगा, चिल्का लेक मार के आना है, बिल्कुल बिल्कुल, ओके। क्वेश्चन नंबर 37 कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में बोल रहे हैं, क्या पूंजी निर्माण, ठीक है, कैपिटल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ऐसे रिलेटेड स्टेटमेंट दिए हुए। द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड ऑन सेविंग, हाँ बिल्कुल, सेविंग करोगे तभी तो कैपिटल बना पाओगे कुछ। एंड इफेक्टिवनेस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, हाँ कितना इफेक्टिव है, इंस्टीट्यूट की कैसी पोजीशन है, क्या काम कैसे चल रहा है, ठीक है, उस पर भी निर्भर करता है, तो डेफिनेटली स्टेटमेंट सही है। फिर इन्वेस्टमेंट कैसी है, इज एसेंशियल फैक्टर फॉर कैपिटल फॉर्मेशन, हाँ इन्वेस्टमेंट होगी किसी चीज़ में तभी तो कैपिटल फॉर्मेशन होगा, तभी तो पूंजीवाद को बढ़ावा मिलेगा। इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, अगर किसी भी तरह की निवेश नहीं होगा तो कैपिटल फॉर्मेशन भी नहीं हो पाएगा, इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। बेसिक का क्वेश्चन था। फिर यूनियन बजट से आया है क्वेश्चन, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने प्रपोज की थी कुछ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के सेस को कितने प्रोडक्ट में किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, 29। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, असर्शन रीजन दिए गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टरी रिस्पॉन्सिबल है बोथ द हाउस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। मैंने कहा था स्टेटमेंट आता है उसकी लैंग्वेज आपको एकदम लगेगी कि मेरी पढ़ी हुई है, लेकिन आपको वहाँ पे वर्ड्स पे ध्यान देना है, ठीक है, कि कहाँ पे क्वेश्चन को कहीं थोड़ा मरोड़ा गया होगा, यहाँ पे थोड़ा मरोड़ा गया कि बोथ द हाउस कर गया है, तो बोथ द हाउसेज नहीं होता है, आपको पता है कि वो लोकसभा होता है, राज्यसभा नहीं होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर ओनली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, ठीक है। फिर दूसरा है रीज़न क्या कह रहा है, मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ राज्यसभा आर एलिजिबल टू बिकम मिनिस्टर, हाँ ये तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट सही नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। राज्यसभा के जो भी मेंबर होते हैं वो मिनिस्टर भी बन सकते हैं और प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए स्टेटमेंट टू सही हो जाता है और फर्स्ट वाला गलत है, ओके। ठीक देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, एक स्टेटमेंट दी हुई है, कैन यू शो मी वन फ्री कंट्री वेयर देयर आर सेपरेट इलेक्टोरेट्स -- द ब्रिटिश एलिमेंट इज़ गॉन बट दे हैव लेफ्ट मिस्चीफ बिहाइंड, ठीक है। ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आप कोई करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, कोई फैक्ट कोई बुक में पढ़ रहे हैं कि कोई महापुरुष के द्वारा कोई बोला हुआ कोई स्टेटमेंट है, तो उसको बिल्कुल ध्यान से थोड़ा पढ़िए, ताकि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है एटलीस्ट उसका कंटेक्स्ट याद करिए कि इस कंटेक्स्ट में इन्होंने बोला था, ठीक है। वैसे ही एक क्वेश्चन है जो कि इसका आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ठीक है, अगर आप कभी पढ़ते तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, यही एक तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन को क्रैक करने का।
फिर एक क्वेश्चन है बहुत ही हलवा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, उगन डे कब कब सेलिब्रेट किया जाता है, वो है 16 सितंबर को, ठीक है। फिर टापा क्लोथ, टापा कपड़ा बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है, मोरेसी, मोरेसी नाम की एक प्लांट की फैमिली होती है, ठीक है। रटा रटा है क्वेश्चन है, बिल्कुल उसको ऐसे ही याद कर लीजिए, ठीक है। वो क्वेश्चन तक कर लिए, नेक्स्ट सीरीज़ में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।